चैप्टर नंबर 3 टाइम। चैप्टर नंबर 3 में टाइम, टाइम क्या है? वी मेजर टाइम इन डिफरेंट वे। हम समय पूछते हैं ना कि घड़ी में कितने टाइम हुआ, 2 बजे, 3 बजे या 4, तो उसको हम क्या समय, टाइम में समय की समय क्या होती है, समय किस टाइप से होता है, मतलब टाइम को हम काम करते हैं ना कि एक दिवस में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो उसी तरह वी मेजर टाइम इन डिफरेंट वे, हम टाइम को अलग अलग तरीके से मार्क करते हैं। जैसे वी यूज द यूनिट ऑफ ईयर्स, हम उसे ईयर के रूप में भी काम करते हैं, मंथ एंड डे। जैसे वन ईयर्स में कितने मंथ होते हैं, वन ईयर्स में 12 मंथ, और वन मंथ में कितने डे होते हैं, जैसे वन ईयर्स में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ, और वन मंथ में कितने डे होते हैं, वन मंथ में कितने डे, 30 और 31 डेज। वन ईयर्स में 12 मंथ होते हैं और वन मंथ में 30 और 31 डे होते हैं। इस तरह से हम टाइम को, समय को अलग अलग से, अलग रूप से काउंट कर सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं वन डे में कितने घंटे होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, वन डे में 24 आवर्स होते हैं। इस तरह से हम टाइम को काम कर सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे कि आपको नीचे कैलेंडर में दिया गया है, वन ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। 12 मंथ के क्या क्या नाम है, यहाँ आप कैलेंडर में देख सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इस तरह से 12 मंथ की आप उस कैलेंडर में देख सकते हैं, और अलग अलग हर मंथ में एक समान डे नहीं होते, किसी मंथ में 30 डेज होता है तो किसी मंथ में 31 डेज होता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 3.1। टाइम को हम, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, टाइम को हम अलग अलग तरीके से माप सकते हैं। जैसे कि वन ईयर्स में कितने मंथ होते हैं, वन ईयर्स में 12 मंथ होते हैं, और वन मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 और 31 डेज होते हैं, और वन डे में कितने आवर्स होते हैं, वन डे में 24 आवर्स होते हैं। इस तरह से हम टाइम को, समय को अलग अलग तरीके से माप कर सकते हैं। नाउ एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 1। फिल इन द मिसिंग मंथ्स, फिल इन द मिसिंग मंथ्स। यहाँ पे नीचे कुछ ब्लैंक खाली दिए हैं, मंथ के नेम दिए हैं और कुछ ब्लैंक खाली दिए गए हैं, उसको आपको फिल करना है मंथ के अनुसार। फर्स्ट है जनवरी, फिर ब्लैंक, फिर लास्ट में दिया है अप्रैल, फिर ब्लैंक एंड ब्लैंक, फिर अगस्त। ये तो आप सभी जानते हैं कि मंथ के नेम क्या होते हैं, आप सभी को पता है। अगस्त, 25 सितंबर, फिर ब्लैंक, फिर दिसंबर। आपको दिए गए हैं और कुछ ब्लैंक खाली रखे गए, वहाँ आपको नेम के मंथ के हिसाब से आपको लिखना है। तो जनवरी के बाद कौन सा मंथ आता है,
February February के बाद March 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 के बाद April April के बाद May May के बाद कौन सा मंथ आएगा June June फिर July फिर August September September के बाद October अक्टूबर के बाद नवंबर N O V E M B E R इस तरह से आपके 12 मंथ कंप्लीट हुए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये आपके 1 ईयर के कितने मंथ हो गए 1 ईयर में 12 मंथ हो गए सो नाउ कंप्लीट February, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. इस तरह से 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ होते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 2 Write the same number of days. यानी आपके करी question number two में है look at the calendar and write the number of days. This month है. यानी नीचे आपको month दिया है box खाली दिया गया. उसमें आपको month के हिसाब से calendar देके आपको days को लिखना है. जैसे कि A number January, B number, August, C number, October. क्वेश्चन नंबर 2 में है लुक एट द कैलेंडर आपको कैलेंडर देखना है और उसके बाद आपको जो मंथ दिया है मंथ के आगे आपको डे लिखना है कि कौन से मंथ में कौन सा डे होता है आपको कैलेंडर देखकर ही मंथ का डे लिखने हैं अब जनवरी जनवरी मंथ में कितने डे होते हैं 31 डेज नाउ अगस्त अगस्त में कितने डे होते हैं 31 डे एंड अक्टूबर अक्टूबर में भी 31 डेज होते हैं मई May be 31 days and March. March may be 31 days, November may 30. इस तरह से आपको कैलेंडर देख के आपको बॉक्स को फिल अप करना है. The calendar also shows the number of week in the month. और कैलेंडर को देखने से ही आपको पता चलता है कि एक मंथ में कितने वीक होते हैं.
Now question number 3. Question number 3 held 7 days make a week. 7 days make a week. Name the date of the week. Name the date of the week. यहाँ पे से बोला जाए 7 days के कितने वीक होते हैं, एक वीक में कितने दिन होते हैं, वीक मतलब सप्ताह, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। तो यहाँ पे बोला जाए नेम द डेट ऑफ द वीक, तो यहाँ पे आपको डेट के नेम लिखने हैं, यानी दिवस के नाम लिखने हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड लास्ट सैटरडे। ये आपके डेट ऑफ द वीक यानी सप्ताह के 7 दिन के नाम है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अक्सर तो फर्स्ट डे मंडे आता है, लेकिन हम इसका जब रीड करते हैं या कुछ करते हैं तो हम संडे बोलते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे क्या है? संडे मंथ का वीक का लास्ट डे है। सो कंप्यूटर बुक, now question number 4. Question number 4 है, look at the calendar. Look at the calendar. For the month of October. October 2016. And answer the following question. आपको ये नीचे कैलेंडर दिया गया है अक्टूबर मंथ का, इसको कैलेंडर को देखकर यहाँ आपको पीछे क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच मंथ इज दिस, यानी जो कैलेंडर दिया गया है वो कौन सा मंथ है, इसका आंसर आपको उस ब्लैंक में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको देखिएगा अक्टूबर का कैलेंडर दिया गया है, इस कैलेंडर के साथ यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है और उसका आंसर आपको कैलेंडर देखकर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मंथ इज दिस, तो ये कौन सा मंथ है, यस अक्टूबर, तो आपको यहाँ अक्टूबर लिखना है। नाउ बी नंबर क्वेश्चन, ऑन विच डेट
Dutch, 15, October, fall, on which day 15 October fall, यानी 15 अक्टूबर के दिन कौन सा दिवस रहता है? आंसर आपका सैटरडे। 15 आप कैलेंडर में देख सकते हैं कि 15 अक्टूबर कौन सा डे है, 15 अक्टूबर आपका सैटरडे है। सैटरडे। नाउ सी नंबर व्हाट डेट is the second Tuesday. Second Tuesday. Yani second Tuesday is October month में जो दूसरा Tuesday है उसमें कौन सा date पड़ रहा है? 11. तो आपको answer क्या आएगा? 11. कौन सा date? 11 date को आपको second Tuesday पड़ रहा है। Now B number. What date is 1 week. 1 week after 6 October. यानी वो दिन थी वन वीक आफ्टर सिक्स अक्टूबर, यानी एक वीक के बाद 6 अक्टूबर को आफ्टर सिक्स अक्टूबर यानी 6 अक्टूबर के बाद कौन सा डेट आएगा, यानी 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर with what date is 1 week after 6 October, यानी की कैलेंडर में 6 October के 1 week बाद कौन सा डेट आएगा? तो 13 October। तो कंप्लीट इट। नाउ डी नंबर बी नंबर हो गया ई नंबर। ऑन विच डे विल 30 September fall, यानी बोला जा रहा है ऑन विच डे विल 30 September, यानी 30 September को कौन सा दिन होगा? तो 30 September को कैलेंडर में आप देख कर बता सकते हैं 30 September को फ्राइडे का दिन होगा। On which day will 30 September fall? यानी 30 September को 30 September को कौन सा दिन होगा? Friday. Now F number. On which day will 1 November fall? On which day will 1 November fall? यानी 1 November को कौन सा डे पड़ेगा? तो ट्यूसडे। आंसर क्या आएगा? ट्यूसडे। On which day will 1 November fall? यानी 1 November के दिन कौन सा डे पड़ेगा? तो ट्यूसडे यानी मंगलवार। नाउ कंप्लीट इट।
नाउ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आगे का जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टुडे नो डन योर होमवर्क। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज कैलेंडर देखकर उसको आपको कंप्लीट करना है। आज का होमवर्क है चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 राइट इन योर मैथ्स नोटबुक। मैथ्स नोटबुक वन टाइम एंड राइट टेबल टू टू टेन वन टाइम। आज का होमवर्क है चैप्टर 3.1 राइट इन योर मैथ नोटबुक में वन टाइम और साथ में आपको 2 से 10 तक का टेबल लिखना है। थैंक यू।